मेरा आईफोन पता नहीं क्यों आज चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैं इसके चार्जर को लेकर पहुंच गया इंस्पायर। इंस्पायर वाले भैया ने हमें बताया कि इसके लिए न्यू केबल लाना पड़ेगी। अब लेने को तो मैं लोकल वाली भी ले लेता, लेकिन उससे मोबाइल फास्ट चार्ज नहीं होता, तो पूरे 1900 रुपए देकर मैंने इसे खरीद लिया। अब जब मैं मेरी फ्लैट पर वापस आया तो मैं मेरी मैकबुक पर एक वीडियो को एडिट कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने इसे चार्ज पर लगाया, लेकिन इस बार ये मैकबुक चार्ज नहीं हो रहा। मैं कहा मेरे एप्पल के प्रोडक्ट्स आज मेरे से नाराज हैं क्या? पर कोई ना, मैं इसे रिपेयर करवाऊंगा। तो मैं आ गया एक कंप्यूटर रिपेयरिंग मार्केट में। यहाँ भैया ने मेरी मैकबुक और उसके चार्जर दोनों को ही रिपेयर सिर्फ 800 रुपए में कर दिया। तो मैं भैया को बताया कि 1900 रुपए की तो इंस्पायर से मैं ये सिर्फ केबल लेकर आया था। फिर भैया ने मुझे बताया कि जब भी हम किसी ऑफिशियल आउटलेट से कुछ खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें प्रिंटेड प्राइस पर मिलता है। यदि मैं सेम ओरिजिनल केबल को लोकल मार्केट से खरीदता तो मुझे 800 से 900 रुपए में मिल जाती। तो फिर मैं वापस इंस्पायर चला गया और इसे चेंज करवा दिया। वैसे इस पूरे मॉल में मेरे सब्सक्राइबर्स ही सब्सक्राइबर्स मिलते रहे। पर अब बात आती कि मैं मेरी आईफोन को चार्ज कैसे करूंगा। कुछ नहीं, मैंने इसे 30 रुपए में खरीदा, अपने पुराने चार्जर में लगाया और बस मेरा आईफोन चार्ज होने लगा।